अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। पंखे की वजह से शायद आपका डिस्टर्ब करे क्योंकि गर्मियाँ आ गई और आपको पता है कि अभी एसी का सीज़न नहीं आया, अभी पंखों का शोर जो है वो हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले तो ये, बाकी दिन के काम तो होते ही रहेंगे। ये मेरी आई है जो मैंने मंगवाई है न्यू, मैं खुद ही भूल गई हूँ, सेल्फी स्टिक। तो मैंने कहा आप लोगों के सामने ही खोलती हूँ। मेरी सेल्फी स्टिक गुम हो गई थी और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं आप लोगों के सामने इसको ओपन करती हूँ, देखते हैं कि क्या आया है। हमेशा दरअसल मैं वही चीज़ लेती हूँ जो टॉप रिव्यू लिखी हुई होती है लोगों के रिव्यू, और खुद मैं हमेशा सोचती हूँ कि रिव्यू करूँगी लेकिन मैं करती नहीं हूँ। हालांकि ये बहुत ही गंदी बात है, अगर हम रिव्यू करें तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे कि मैं लोगों के रिव्यू पढ़ के चीज़ परचेज़ करती हूँ तो लोग भी तो मेरे रिव्यू पढ़े ना फिर, लेकिन हम लोग जो है ना अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि भूल जाते हैं। रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, इससे और लोगों का फ़ायदा होता है, मतलब और कस्टमर्स का ही फायदा होता है। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आई है, हम इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स अंदर से ये कुछ इस तरह की है और इसके दो कलर थे वाइट और ब्लैक, तो मैंने ब्लैक मंगवाया। ये इसका पम्फलेट है जिसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बुकलेट सॉरी पम्फलेट बोल दिया मैंने, क्योंकि ये कोई चाइनीज़ ज़बान में लिखा हुआ है और मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तस्वीरों से देख के हम गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका होल्डर है, मोबाइल होल्डर जिसमें आपका मोबाइल आएगा। इसको आप खींच के बड़ा भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। और फिर जी इसकी लेंथ जो है वो मैं आपको पूरी खोल के दिखाती हूँ कि ये कितना लंबा है। ये इसका जो बटन है यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं फ़ोटोज़, और साथ में ये ब्लूटूथ भी है, नॉट ओनली क्लिक बटन, ये ब्लूटूथ भी है और सेल वाली ब्लूटूथ है। ये आपके मोबाइल से कनेक्ट भी हो सकती है और फिर ये वर्क करेगी। और इसकी मेमोरी भी है, उसके ऊपर लिखी हुई थी, मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ कि वो कितनी मेमोरी थी। तो ये देखें जी, इस तरह खोल के आप इसको ट्राइपॉड भी बना सकते हैं, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं बहुत हैप्पी हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक प्यारी सी बच्चे की तस्वीर, और आपने गेस करें कि वो किसकी पीते हैं, ठीक है। और जो गेस करेगा ना उसको मैं अच्छा सा रिप्लाई करूँगी। ये देखें जी, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि किस प्यारी सी बच्चे की पिक है। गौर से देखें, स्टाइल चेक करें आप उसका, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस प्यारी सी बच्ची की तस्वीर है, गेस करें, करीब से देखें। चलिए ये तो हो गया मेरा आज के क्वेश्चन आपसे, अब चलते हैं उस घर के काम भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स चलते चलते मैं आगे विकास के रूम में अपने रूम से, और यहाँ पे ये विकास और मेरे हस्बैंड जो हैं क्वेश्चनियर फिल कर रहे हैं। ये विकास का कोई रिसर्च वर्क था और वो हमसे फिल करा रहे हैं, तो आए देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा छोटा लिखी, मैं अपनी खुद लिखूंगा भाई। पक्का घर है, तीन कमरे हैं, दो दो लोग रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस भी है, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, मोटर पंप, क्रॉस वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडीशन है उनके घर में, नहीं है, सीवेज डिस्पोजल, यही सिस्टम है, नहीं इधर लिख दो। बस दरमियानी सी, बेचारे बैंकर है, क्या कितनी इनकम लाई है भाई? 65,000 छोटे छोटे डाल सारे बच्चे, बीस बीस के कोते, पैंतीस बच्चे के कोते डाल रहे हो, फैमिली बड़े मुसीबत में डाल रहे हो, छोटे छोटे डाले। ये एक सर्वे क्वेश्चन ईयर था जो कि हम फिल कर रहे थे अपनी मर्जी से, फैमिलीज बनानी थी, मतलब कि सब कुछ जो है ना वो पोस्ट कर करके हम लिख रहे थे।
तुझे यहाँ पर आ गई है मेरी सिस्टर और वो लेके आए हैं चाशनी से मिठाई हमारे लिए, बहुत ही ज़बरदस्त और जमी लग रही है देखने में, तो पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी। भाई की न्यू जगह पे पोस्टिंग हुई है तो वो लेके आए हैं हम लोगों के लिए मुंह मीठा करने के लिए मिठाई। वैसे कितनी मज़े की बात है, मुंह मीठा करने के लिए मिठाई। अच्छा तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसकी बहुत ज़बरदस्त पैकिंग थी, इतना बड़ा डब्बा था अंदर से निकालने में मुश्किल हुई तो मुझे मोबाइल रखना पड़ा, तो मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी कलरफुल यम्मी सी जो है वो मिठाई है, लड्डू भी रंग बिरंगा है, हालांकि मोतीचूर का लड्डू है वो भी रंग बिरंगा है, और बाहर से ये इस तरह का कुछ डब्बा है। मैं कास कह रहा था ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई एल्बम हो, तो मैंने कहा हम आपको इसको अच्छे से खोल खोल के दीदार कराते हैं। यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, जिस जिसको भी मिठाई पसंद है, मिठाई अगर ज़्यादा ना भी पसंद हो ना तो थोड़ी ही सब लोग ही खा लेते हैं। तो जी किचन की तरफ मैं आई हूँ, मैंने आपको पूरा नहीं दिखाई है, मैं आपको पहले रेसिपी दे चुकी हूँ। मैं चिकन ब्रेड बना रही थी हफ्सा के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती है कि आज हमारे किचन में क्या क्या काम हो रहा है। तो ज़्यादा काम नहीं हुआ था किचन में, जस्ट मैंने शाम को जो है चिकन ब्रेड ही बनाई थी। तो ये माशाल्लाह से इतने अच्छे कलर में बेक हो रही है, मुझे बहुत दिल किया कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। देखिए जी फाइनल लुक, क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं आज घर में तो मैंने दो ब्रेड बेक किए हैं और सबको ये पसंद भी बहुत होती है यम्मी सी, वकास की फरमाइश पे बेक हुई है। और आप लोगों ने ट्राई की, आप लोग मुझे बताइए अगर ट्राई की होगी तो आप लोगों को यकीनन बहुत यम्मी लगी होगी। और इतनी आसान है बेक करने के, विदाउट ओवन बेक हो जाती है, मैंने आपको बताई थी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि क्या रह गया था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने केक हफ्सा की वजह से नहीं काटा था, तो अब हफ्सा आ चुकी है तो हम केक काट रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में केक, देखें कितना प्यारा है, और ऊपर मैं और मेरे हस्बैंड एक कार्टून की शेप में बने हुए हैं ये अब हमारा नाम लिखा है और हमारा केक है तो हम ही बने हुए हैं ना ऊपर। ये देखें लिखा हुआ है अंबर रफाई, और ये देखें कितना प्यारा क्यूट सा केक आया है, ये कस्टमाइज केक है। ओह होए मक्खी गंदी, और ये कस्टमाइज केक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भाई और भाभी की तरफ से आया है। और ये हम जी इसकी केक कटिंग कर रहे हैं इन द बहुत ही सिंपल वे, मेरे हस्बैंड अभी भी वॉक करके आए थे तो हमने कहा अब आपकी जो है ना कैलोरीज हम और बढ़ाते हैं, अब हम केक खाते हैं, यही टाइम मिलता है इकट्ठे होने का, वरना पूरे दिन कहाँ टाइम होता है, ना छुट्टी होती है इंसान को। और ये केक जो है चॉकलेट केक है, हम सबकी पसंद का, बहुत ही यम्मी। तो ये देखिए हमने इतना खा भी लिया है, बहुत बहुत अच्छा केक था, थैंक यू भैया एंड भाभी। और खाना हम हालांकि खा चुके थे लेकिन केक इतना ज़्यादा यम्मी था ना कि पेट भर गया था, पर नीयत नहीं भर गई थी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मुँह में भी पानी आ रहा होगा और इतना ही यम्मी लग रहा होगा। आज मैंने आपको दो मीठी मीठी चीज़ें दिखाई हैं, खाना हम लोगों ने खाया था जी पुलाव और से पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी केक हमने रज के खाया, और ये बहुत बहुत क्यूट सी केक है, इसको मैं उतार के रख लूँगी, सेव कर लूँगी। आज का व्लॉग बस यहीं तक, मैं लेती हूँ आप लोगों से ज़्यादा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।